ओके सो हाय गाइस, दिस दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम ekatmaacademy.com और आज हम टिप्स देखने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड इन द लॉ, लॉ में कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। टिप नंबर वन, 500 टू 600 क्वेश्चंस 1:1 के प्रोपोर्शन में सॉल्व कीजिए, मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम फॉर्मेट में सॉल्व करना और एक क्वेश्चन रीड करना। इससे आपका 60-70 मार्क्स का पेपर देखा हुआ आएगा, ठीक है। और 60-70 मार्क्स का पेपर जब देखा हुआ आता है तो 50 स्कोर करना काफ़ी आसान है, इवन यू कैन स्कोर एग्जम्पशन। नेक्स्ट टिप, आप नियरली ये ट्राई कीजिए कि आप प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आंसर लिखिए। हम हमारे रेगुलर बैच में सभी आंसर्स नियरली 250 प्लस क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिख के रखते हैं, जिससे होता या क्या है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में वैल्यूअर को आंसर्स मिलते हैं और ऑब्वियसली बात है कि वो उसके ऊपर ज्यादा मार्किंग देता है। टिप नंबर थ्री, नॉर्मली आप टेस्ट पेपर दीजिए और टेस्ट पेपर कंसिस्टेंटली सॉल्व कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा आपकी स्पीड के ऊपर। एंड टिप नंबर फोर, आपने ये ट्राई नहीं करना है कि किसी एक क्वेश्चन को परफेक्टली आंसर लिखो, एग्जाम में आपने ये ट्राई करना है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतने ज्यादा आपके स्टेप मार्किंग होंगे और उतना ज्यादा स्कोर आप अच्छे से करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप, आपने हमेशा पेपर लिखने के पहले प्लान करना चाहिए। पूरा पेपर पढ़िए, जो आपके स्कोरिंग क्वेश्चन है उनको पहले लिखिए और जो क्वेश्चन आपको थोड़े से डायलेमेटिक लगते हैं बीच में लिखिए, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको भी अटेम्प्ट करना है पर सबसे एंड में। बस इसके एडिशन में आपको और कौन से टाइप के वीडियोस देखने हैं कृपया कमेंट करके बोलिएगा। वी विल बी देयर विद इट। थैंक यू सो मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।